क्या हाल चाल है? हाँ, तो चार्ज हो चुके हैं ना? आगे वाले भाग। आप अंदर हो जाइए, आप आगे आ जाइए। ये कोई इश्यू होता है क्या यार? आपस में बात, उसने बोला आप देख लो, आगे बैठना है आपको, आगे आ जाओ। मुझे एक वाक्या याद आ गया इसी चीज पे। मैं कोटा में नया नया था और मुझे ये नहीं पता था कि शॉर्ट नेम चलते हैं यहाँ पे, SKM NV VJ। तब मुझे पता नहीं था, मैं बंसल क्लासेस में आया और प्रॉब्लम ये थी कि क्लास में ओवर क्राउड होता था बहुत ज्यादा। आपको भरोसा नहीं होगा, ये शायद 2x2 की टाइल है, मैं ऐसे खड़ा हूं। सो द मैक्सिमम स्पेस विच आई गेट टू टीच इज दिस वन। यहां बच्चा बैठा होता था, यहां 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 यहां। अच्छा, यहां तो फिर लॉजिक यहां का भी नहीं है, वो ऐसे क्या देख पाएगा बोर्ड पर? ठीक है, चलो फिर भी मान लेते हैं इन्हें थोड़ा सा फायदा होता होगा। उसका क्या फायदा जो गेट के बाहर बैठा है 10 मीटर दूर? मैं बोलता था फ्लोर वाले को, भगाओ इन्हें। तो क्या सर, हम सुन रहे हैं उसमें आपका क्या जा रहा है। तो अच्छा, मेरे को गुस्सा क्या आती थी, कुछ पढ़ा ही नहीं पाता था मैं, इतनी दूर में क्या लिखूंगा? ऐसे लिखना था, तिरछा होकर हेलिक्स बन जाता था मेरा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो ऐसी कोई क्लास होगी, तो उस दिन मूड खराब था किसी वजह से। आते ही मैंने पहले तो ये रास्ता खाली कराया, कॉरिडोर होता है ना, ये खाली करो। फिर एक लड़की आई और उसने कहा कि सर मुझे बैठने की जगह नहीं मिली। अबे टीचर आदमी मतलब पढ़ाने में ज्यादा फोकस, क्या सीटिंग अरेंजमेंट थोड़े करवाऊंगा मैं। तो मैंने कहा उधर जाके बैठ जाओ। सी सेड ये मेरी जगह है। अब चाहे लड़की हो चाहे लड़का, टोन सुनते ही मूड खराब होता है। तो मैंने कहा बैठ जा फिर, तेरी जगह है तो बैठ जा। वहां 3 लड़के बैठे हुए थे आगे वाली सीट पे। सी सेट की इन्हें पीछे करो। तो मैं मामला रिजॉल्व करने की हमेशा कोशिश करता। तो मैंने कहा उस लड़के को, चलो उठो तुम पीछे जाओ। अब नए नए में बहुत ज्यादा मेरे को जानते नहीं थे, मतलब मेरा सॉफ्ट वाला एंगल देखा था। वो एक उठा, कहता मैं नहीं जाऊंगा, सिटिंग अरेंजमेंट किया है VKB सर ने। अब मुझे VKB का फुल फॉर्म पता नहीं चला उस समय, ठीक है। तो मैंने उससे कहा देख ये है मेरी क्लास और मेरी क्लास में मेरे नियम कानून चलते हैं, ठीक है ना, बाकी मैं कुछ नहीं जानता और किसी को नहीं जानता, मैंने एडमिट कर रहा हूं। मैंने बोला और मैं पिजल, तो वो जा रहा था बच्चा, गलत नहीं कर रहा था, लेकिन उसने बैग जिस तरीके से उठाया ना, एक होता ना गुस्से में उठाना, वो वहां मेरी फिर गई। मैंने अब तू पीछे नहीं जाएगा, इतने प्यार से इधर बुलाया सामने, और उसके चेहरे पर भी गुस्सा दिख रहा था। तो मेरे 20 साल के करियर में मैंने 1 या 2 बार हाथ उठाया, उसमें वो आ गया, झापड़ मारा वो बाहर, सीधा एक झापड़ में चलना नहीं पड़ा, बाहर हो गया वो। और बाहर जाके वो सीधा गया VK बंसल सर के पास, वो पढ़ा रहे होंगे, जाके कहता सर बात करनी, बाद में आना, बात करनी अभी। फिर उसने बुलाया नए सर आए हैं SKM सर, उन्हें मैंने बोला कि VK बंसल सर ने मुझे यहाँ बैठाया है, तो उन्होंने कहा ये कौन होता है VK बंसल, कौन होता है VK बंसल। मैंने कहा मेरी चलेगी और किसी की नहीं, उसने उसमें नमक मिर्च डाल दिया। अब मजेदार लगा, मैंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बिंदास में आए अपने केबिन में जाके बैठ गया। मेरे पास एक फोन आया बहुत सॉफ्ट तरीके से, और सर कैसे हो? मैनेजमेंट से। बढ़िया सर, आज क्लास में कुछ अजीब हुआ क्या? मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने कहा
रहा सोचो कुछ हुआ होगा जी। मैंने कहा एक को झापड़ मारा था। तो कह रहे सर झापड़ तो ठीक है और क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं बदतमीजी कर रहा था भगा दिया। कह रहे सर आपने कुछ वीके बंसल सर को लेकर बोला? मैंने कहा वीके बंसल सर का नाम भी नहीं आया, मुझे तो यार ऐसा आता है विनोद कुमार बंसल जी, मैं नाम ही नहीं आया। तो कह नहीं वो वीके भी सर बोल रहा था ऐसा सर। मैंने कहा वीके भी तो बोला था यार लेकिन मुझे याद नहीं बंसल सर का। फिर मैंने जोड़ा वीके बंसल ही तो फिर उन्होंने कहा शाम को आप मिल लेना वीके बंसल सर। मैंने कहा मैं अभी मिल लेता हूँ शाम को क्या है? कह रहे नहीं अभी वो थोड़ा नाराज है। तो भाई वो सेम स्टेटमेंट दिया था। तो शाम को मैं मिला, अब वो इतने सीनियर हैं कि उनका सम्मान तो सब लोग करते थे। मैं गया मैंने आशीर्वाद लिया, कहे हाँ। मैंने कहा मैं एसके एम हूँ। कह रहे अच्छा तुम ही हो? मैंने कहा फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं होता है बच्चे एडिट कर देते हैं बातों को, कोई बात नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे पढ़ाइए। तो आपके वाक्य से याद आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गुड आफ्टरनून ऑनलाइन वालों, क्या हुआ? नहीं चीजें खींचती ना अभी कोई भी, तो तू भी पिट सकता था, ये भी पिट सकती थी, ये भी बीच में आ रही थी, ये भी पिट सकती। अरे ये रिजॉल्व करो ना इसे, अरे ये छोटी चीजें होती। नहीं पिटना विटना तो मुझे एक ही दो इंसिडेंट्स याद है, उसके बाद पीटने का तो लॉजिक ही नहीं, भगा दो इससे, गेट आउट कर दो, पीटने का क्या लॉजिक। आइए लास्ट क्लास क्या किया था हमने, कार्बोकेटायन का इंट्रोडक्शन कर लिया था। कार्बोडाइन क्या होता है, कैसा होता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, अनपेयर्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, सब कुछ कर लिया था, कर लिया था। और मैंने एक क्वेश्चन दिया था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानने का, तो चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। कितना गंदा लिखते हो आप हैं, इससे सुंदर मैं लिख सकता हूं अगर मैं पैर में पेन फंसा के लिखूं तो भी। क्वेश्चन यूजली गर्ल्स की राइटिंग अच्छी होती। नहीं बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर वन, मैं आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन में फर्स्ट वाला न्यूक्लियोफाइल है, मैं एक बताऊंगा दूसरा तो क्लियर हो जाएगा सर। सेकंड वाले में पहला इलेक्ट्रोफाइल है, थर्ड वाले में पहला इलेक्ट्रोफाइल है। अब इन तीन में किसी को डाउट है क्या? आराम से पूछो कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ में पहला न्यूक्लियोफाइल है, फिफ्थ में पहला न्यूक्लियोफाइल है, सिक्स में पहला इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरे वाले की शकल तो देखो, अकल से पैदल, दूसरे वाले की शकल तो देखो मेरे भाई। मजेदार चीज है, सिक्स और सेवन मैंने इसीलिए दिया है। आप में से किसी को लगता है उसकी मैथ्स बहुत अच्छी? किसी को नहीं लगता? किसी को लगता है उसकी ऑर्गेनिक अच्छी है? अरे वाह। किसी को लगता है उसके अंदर कोई भी अच्छा टैलेंट है? हाँ खड़े हो जाइए। क्या विकेट कीपर? लेकिन तू अपने गली मोहल्ले के लड़कों के सामने अच्छा होगा ना, तू अगर किसी नेशनल लेवल या किसी और विकेट कीपर के सामने खड़ा होगा तो तू डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ईच टर्म इज रिलेटिव, ईच टर्म इज रिलेटिव। सामने कौन मौजूद है उसके हिसाब से डिसाइड होगा आप क्या हैं। आप नहीं बोल सकते आप होशियार हैं, ये स्टेटमेंट सही भी है और गलत भी है। आप अपने मोहल्ले के 10 लोगों से ज्यादा होशियार हैं, लेकिन हो सकता है 5 लोगों से डैश भी हो, हाँ या ना, डाउन भी हो। आइए लुक एट 6 केयरफुली। अब 6 में दोनों, ये भी आप समझिए, यहां से एक सीख मिली आपको, एक को देख के आंसर नहीं देना है। एक को देख के आंसर तब देंगे जब एक ही दिया हो। अगर दो दिए हुए हैं तो भाई साहब दोनों के रिलेटिव नेचर से ही आंसर आएगा। लुक एट 6 सेकंड वन, ये तो NaOH है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, तो बाजू वाले को इलेक्ट्रोफाइल होना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं, 3 की रिंग में एंगल स्ट्रेन होता है जिसकी वजह से वो टूटने की इच्छा रखता है, और इसलिए 7th में सेकंड वाले को देखो AlCl3 वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे। 8th पहला न्यूक्लियोफाइल, आई थिंक इट्स इजी।
नाइन्थ पहला न्यूक्लियोफाइल, टेंथ पहला न्यूक्लियोफाइल, टेंथ तक किसी को डाउट? ओके, इलेवेंथ हो गया था क्लास में, दोनों न्यूक्लियोफाइल। मेरे भैया मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले, याद है आपको? तो हमारी आज की हेडिंग क्या चालू होगी? वेरी गुड। कोई ऐसा तो नहीं जो आज पहली क्लास में है, फर्स्ट क्लास है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। आप लगभग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने अलग अलग तरीके से केटायन बन सकते हैं वो आप यहां देखने वाले हैं, ठीक है? आइए जरा मेरे भाई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में पहला पॉइंट है बाय हेट्रोलिसिस, ध्यान से देखेंगे, बाय हेट्रोलिसिस ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। जिस दिन आप क्लास में ये सीखने लगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सब्जेक्ट आपका, आपको लगेगा कि यार बेवकूफ बनाया जाता है, ये तो सब 1 2 3 4 जैसा ही होता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें हेडिंग सुनते ही डर लग जाता है, अंदर आगे बढ़ते हैं और डर लगने लगता है, फिर हम आधे टाइम के बाद छोड़ देते हैं, यार छोड़ो ये टॉपिक। हमें पूछना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, ठीक है? बाय हेट्रोलिसिस ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। आइए, कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है, इस टाइप की बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सही है? तो ये है एक्स, ठीक है? हेट्रोलिसिस का मतलब आपको पहले पता होगा, आयंस में टूटना, आयंस में टूटने को बोलते हैं हेट्रोलिसिस। एक और मजेदार चीज बता रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक के लिए, अगर कहीं लिसिस आता है, LYSIS, गारंटीड उस रिएक्शन में सिग्मा जरूर टूटेगा, पाई टूट रहा नहीं टूट रहा दैट्स अ डिफरेंस, सिग्मा जरूर टूटेगा। ये नोटिस करना आप, हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, कोई भी चीज है, अब देखिएगा इस बात को। फिलहाल हेट्रोलिसिस ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, RX बॉन्ड की ये हेट्रोलिसिस हुई। अब आपके दिमाग में अच्छे बच्चे की तरह डाउट आने चाहिए, बॉन्ड ऐसे क्यों टूटी, कब टूटी, कैसे टूटेगी, किन कंडीशंस में टूटेगी, सब पर धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन क्या तुम ये मानते हो अगर ये ऐसे टूटेगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा? हाँ या ना? ये कार्बोकेटायन बनेगा। अभी हम इस चीज पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे कि ये बॉन्ड एक्चुअली कैसे टूटी है, लेकिन ये तो मानते हो ना कि अगर टूटेगा तो केटायन मिल सकता है यहां पर। ओके, अब दूसरी बात यह है, क्या हम हर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ सकते हैं? नहीं, हर कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं तोड़ा जा सकता। मेरे भाई याद रखना, दोनों में से किसी एक में लीविंग टेंडेंसी होनी चाहिए। लीविंग टेंडेंसी मतलब छोड़कर जाने की टेंडेंसी। पीछे लगे रहा है तो बहुत ऑब्वियस है, इफ इट इज एक्स, सबको समझ में नहीं आया होगा ना, ये चीजें तो समझी लोगे ना बेवकूफ। ध्यान से सुनना, छोड़कर जाने की टेंडेंसी अगर है तो ये बॉन्ड आज नहीं तो कल पीछे वाले टूटनी है। समझ में आया? जैसे परिस्थितियां थोड़ी सी बॉन्ड ब्रेकिंग के अनुकूल होंगी बॉन्ड टूट जाएगी। पीछे वाला आंख में आंसू लेकर बैठा है। आइए, इसी को हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? यही हो गया लीविंग ग्रुप, और इसे इन शॉर्ट हम लिखते हैं LG। लेकिन ये याद रखना, आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखोगे आप ये सीखोगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि किसी चीज में लीविंग टेंडेंसी है या नहीं। ये चला गया 2 महीने पहले सिखाते, आज तो बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, एक इतनी जगह में ही आप सीख जाओगे। लीविंग ग्रुप निकलने के बाद कैसा चार्ज लेकर बैठा है? बोलो, ये रिएक्शन आगे जाएगी तभी तो ये छोड़कर भागेगा। रिएक्शन आगे तब जाती है जब ये स्टेबल हो। ये कब माइनस स्टेबल रख पाएगा? जब ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ये खुद क्या हो?
अबे कार्बन पे माइनस नहीं यार, ओ पर माइनस हाँ, सीएल पर माइनस हाँ, बीआर पे, आई पर, सल्फर पर, कर लोगे? पीछे लगे रहा, अच्छा ठीक है, समझ गए ना भाई साहब। तो लीविंग ग्रुप जितना ज्यादा स्टेबल होगा निकलने के बाद, उतनी ज्यादा लीविंग टेंडेंसी रखेगा। अजय एक बार बताओ, अपने को माइनस को क्या, इस एक्स माइनस को क्या करना है, स्टेबलाइज? तो उसके लिए माइनस को बढ़ाएं या घटाएं? हाँ, एक्स माइनस, एक्स का माइनस, माइनस बढ़ाएं या घटाएं? सुनाई नहीं दे रहा, चलो मैं एक एक पूछता हूं। कितने लोग कह रहे हैं बढ़ाएं, कितने लोग कह रहे हैं घटाएं? यहां 50-50 आ रहा है। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि तुमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा क्या है बेवकूफों। अच्छा, अब तुम पूरे जीओसी को और पूरी 11वीं को दोष देने वाले हो, जबकि ये इतना कॉमन सेंस है, इतना कॉमन सेंस। सुनना, एक आदमी पर प्लस है, प्लस मतलब तुम 4 दिन से भूखे हो। मैंने कर दिया 6 दिन से भूखे, 2 दिन और खाना नहीं दिया, स्टेबल हो गए या अनस्टेबल हो गए? मैंने चार्ज बढ़ा दिया, मैंने चार्ज बढ़ा दिया, 4 दिन का भूखा आदमी 2 दिन और खाना नहीं दिया, क्या होगा? चार्ज बढ़ गया, डेफिशिएंसी बढ़ गई, स्टेबल या अनस्टेबल? उल्टा लेते, तुम 4 रोटी खाते थे, मैंने तुम्हें 8 खिलाई, माइनस मतलब पहले से ज्यादा है, 8 खिलाई और फिर मैंने 4 और, यू फील गुड और बैड? दुनिया का कोई भी चार्ज बढ़ेगा तो अनस्टेबल होगा, क्या कॉमन सेंस है यार? इसके लिए जीओसी को दोष मत देना, मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है? चार्ज बढ़ता है। अच्छा, और पूछते हैं, मैंने ऐसे पूछा तुम्हारा माइनस बढ़ा दें, ये पैरों पे गिर गया, नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहा कोई भी राह चलता प्लस, बढ़े हुए माइनस को देखकर मेरे ऊपर अटैक कर जाएगा। हाँ या ना, सही बात है या नहीं? यही प्लस का रोना है। मैंने बी से कहा तुम्हारा प्लस बढ़ा दूंगा, इसने कहा नहीं सर रहम करो, कोई भी माइनस, राह चलता माइनस। हाँ या ना, ज्यादा प्लस है। तो मेरे भाई आप समझे, बहुत सिंपल फंडा है, चार्ज मस्ट बी डिमिनिश्ड, कम हो, जो लगे रहा खत्म हो जाओ, उससे अच्छी क्या बात है भाई। किसी प्लस का प्लस खत्म हो गया, फिर और क्या चाहिए? आइए भाई, एक्स माइनस स्टेबल होने के लिए माइनस को घटाओगे या बढ़ाओगे? लगे रहे ये कौन सा घटाओगे और ये कौन सा बढ़ाओगे? अरे मतलब वर्ड समझो, माइनस बढ़ाओगे या घटाओगे? कम करना होगा। और माइनस कौन कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप? सब क्लियर है? आ जाओ लिख लेते हैं। देखिए मैं यहां पर एक छोटा सा टॉपिक ऐड कर दे रहा हूं, और वो है लीविंग टेंडेंसी, ठीक है, या लीविंग ग्रुप लिख सकते हैं, लीविंग ग्रुप। आइए, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लीविंग टेंडेंसी अगर हमें चेक करना है तो बताइए क्या आप लोग चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस? सही बात है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन आगे भागेगी, और ज्यादा स्टेबल और एक्स माइनस कैसे स्टेबल होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? माइनस आर ग्रुप्स, माइनस एच ग्रुप्स, माइनस आई ग्रुप्स, रेजोनेंस माइनस का, माइनस हाइपर कंजुगेशन एंड माइनस इंडक्शन। सही है भाई लोग? वैसे यहां पर अब आप बहस कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं, आप अच्छे बच्चे। मैंने कहा ये रिएक्शन आगे जाएगी तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, आगे जाने का मतलब ये रिएक्शन भाग रही है, बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी है, एक्स माइनस निकल रहा है, यानी कि अच्छी लिविंग टेंडेंसी है। तो एक बच्चा बोल रहा है इस पर भी तो डिपेंड करेगा, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बोलना चाहिए तुरंत कि सर मान लो आर प्लस बहुत स्टेबल है तब भी तो रिएक्शन आगे जाएगी। केटायन स्टेबिलिटी भी इस बात को डिसाइड करेगा कि लिविंग एबिलिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। सही बात है या नहीं? बट अक्सर आप बुक्स में देखेंगे यही लिखा होता है, एक वेरिएबल के साथ क्वेश्चन आता है ये। चलिए मैं कुछ बहुत अच्छी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, सारे लोग देखिए, ठीक है?
कुछ लिविंग ग्रुप्स को देखते हैं। स्टॉप राइटिंग, ये वाटर है, ये अल्कोहल है। पीछे वाला कह रहा बाकी हम लेकर आएंगे, ये भी अल्कोहल। आइए देखते रहिएगा, ये आर ओ आर है, देखते रहिएगा, ये एमीन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सब कुछ सही है। लीविंग टेंडेंसी होने का मतलब यह नहीं है कि वो टूट ही जाएगा। सुनना, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी ब्रेकिंग के, तभी बॉन्ड टूटेगी, ये भी समझिएगा। आया ना? ओके, आइए जरा ध्यान से देखिए, वाटर अल्कोहल, अल्कोहल आर ओ आर, आर एन एस टू। अगर आप बताइए वाटर आप कैसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं क्या? ओके, अल्कोहल कैसे तोड़ते हैं? मैं दो तरीके लिखूंगा, आप मुझे बताना कि आप कौन सा तरीका। बोलिए, नीचे वाला। अच्छा, आर एन एस टू, ठीक है। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगने वाला है, अगर आपने बोला कि ये सही है, आपने बोला, मैंने नहीं बोला, तो अल्कोहल टूट कर क्या दे रहा है, यानी कि ये बेसिक है, यानी कि लोग पार्टियों में बेसिक चीज पीते हैं ऐसा। और अगर ये टूटता है तो इसका मतलब लोग एसिडिक चीज पीते हैं, एसिड चलता है। वो सब छोड़ो, ऊपर वाला देखो, क्या तुम ग्लास में पानी लेते हो तो उसमें H+ और OH- होता है या H2O होता है? H2O। याद रखें, जब तक अप्रोप्रिएट सिचुएशन नहीं होगी बॉन्ड नहीं टूटेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारा गलत है। पूरी ऑर्गेनिक में आप तोड़ मत देना इसे, इट्स रॉन्ग, ये गलत है, समझे इस बात को पहले। इसके पास लीविंग टेंडेंसी है, आई एग्री, समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये लीव करेगा या नहीं करेगा ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो कंडीशन भी आपको बताऊंगा, एकदम रिलैक्स हो जाइए। पहले तो ये मिथ हटाइए कि ऐसे टूटता है, किसी भी तरीके से ऐसे नहीं टूटे। आइए यहां पर वापस लेकर आते, क्या आप मानते हो कि यार ये एक्स का माइनस बढ़ाना है या घटाना है, बताओ? अच्छा बताओ, माइनस घट गया तो ये स्टेबल हो जाएगा या नहीं? आजा बताओ, किसी पे माइनस बहुत कम है तो वो अच्छा बेस या खराब बेस? किसी पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए वो अच्छा बेस या खराब बेस? खराब बेस होता है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, माइनस कम तो ये स्टेबल, माइनस कम तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप, माइनस कम तो ये वीक बेस। क्या मैंने आपको अभी अभी बोला है वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप, वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप? ये बुक्स में लिखा होता है। वीक बेस का मतलब क्या है? स्टेबल एक्स माइनस, एग्रीड? एक्स माइनस जितना स्टेबल होगा उतना नेगेटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा बेस खराब होगा, बेस खराब होगा तो लिविंग ग्रुप अच्छा। आइए मैं आपको बताता हूं यहां बवाल क्या हुआ। OH- माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड बैड एलजी, खराब लिविंग ग्रुप है। वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप, OH माइनस अच्छा बेस होता है। OH RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, ORO भाई साहब स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या अब आप अपनी बुद्धि दौड़ाइए और अब आपको समझ में आएगा कि सर एक मिनट, पहले हम इन्हें किसी तरीके से वीक बेस बना लें तो ये टूट जाएंगे। क्या फंडा समझ में आया क्या? अगर हमने इस वाले सेगमेंट को वीक बेस बना लिया फिर टूटेगा ये, फिर ये सब टूट जाएंगे। फिर अच्छा बताओ, इसे स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है। आया ना? अगर इस पर माइनस है और ये स्ट्रॉन्ग है तो वीक बनाने के लिए हमारा क्या टारगेट होना चाहिए? इसके इलेक्ट्रॉन चुरा लें, घटा दें, कम कर दें, सही बात है या नहीं? अब देखना इनके इलेक्ट्रॉन कैसे चुराएंगे हम, तैयार हैं आप?
मेरे भाई इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये है अल्कोहल, ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ठीक है। एक एजेंट प्रोटॉन को बुलाते हैं, किसे बुलाते हैं, ये देखिए, ये प्रोफेशनल है, सर पर इसके एक टोपी है, उस पर प्लस बना हुआ है। इसका इंटरव्यू मैं बताता हूं, मैंने एच प्लस से पूछा कुछ अपने बारे में बताओ, इमोशनल हो गया, कह रहा मैं पहले एच हुआ करता था। मैंने कहा अच्छा एक इलेक्ट्रॉन, कह रहा हाँ एक इलेक्ट्रॉन था। मैंने फिर कह रहा फिर जालिम जमाने ने वो इलेक्ट्रॉन छीन लिया, सही बात है, और मुझे प्रोटॉन बना दिया। मैंने कहा फिर, कह रहा तब से एक उद्देश्य लेकर चल रहा हूं, जिस तरीके से मुझसे इलेक्ट्रॉन छीने गए हैं, हाँ या ना, मैं भी इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा। आइए भाई साहब, एच प्लस को मैं बुलाकर लाया और मैंने कहा भाई कोई आया है तो आओ भगत करनी पड़ती है। मैंने कहा अल्कोहल चलेगा, कह रहा है चलेगा नहीं, दौड़ेगा, हाँ या ना। अरे भाई एच प्लस एकदम इनोसेंट बनकर जाएगा और अल्कोहल को बोल देगा गिव मी लोन पेयर, हाँ या ना। आपको पता है एच प्लस के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल, अब ताजा ताजा पढ़ा है ना यार। आप एच प्लस बोलेगा गिव मी लोन पेयर और अल्कोहल उसे इलेक्ट्रॉन दे देगा और ओ पर प्लस आ जाएगा। चलिए अब बताइए ऑक्सीजन किस फैमिली से है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाँ या ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसे पता चलेगा वो ट्रैप में फंस रहा है, उसके ऊपर प्लस आ गया, अब वो परेशान होगा। परेशान जब एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, उन्हें लगता है कि किसी हाईली टैलेंटेड बंदे से बात की जाए। ओके, देन ऑक्सीजन कॉल्ड मी, उसने कहा सर बहुत परेशान। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा सुबह सुबह एक प्रोटॉन मिला, मैंने उसका भला करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैंने कहा आप क्या दिक्कत, कह रहा आप दिक्कत यह है कि आप तो जानते हो मैं किस खानदान से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के खानदान से, हमारे ऊपर प्लस अच्छी बात नहीं है, मेरे ऊपर प्लस आ गया है, आते जाते लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हाँ है ना। मैंने कहा चाहते क्या हो, कह रहा है प्लस हटाना। मैंने कहा छीन लो उससे इलेक्ट्रॉन जिसे वापस जिसे दिया था। कह रहा सर ऐसा करेंगे तो रिएक्शन पीछे जाएगी या नहीं, बताओ रिवर्सिबल होगी या नहीं। फिर मैंने कहा दूसरी तरफ कौन है, कह रहा आर। मैंने कहा उससे छीन लो यार, टूट गई बॉन्ड या नहीं, टूट गई। और बनने वाली चीज को एक नजर देखो, आर प्लस एंड जल, जल है वीक बेस, इसलिए टूटी है ये बॉन्ड। हमने OH को OH2 प्लस बनाया और ये इसलिए टूट गया क्योंकि ये वीक बेस है, मानते हो या नहीं, सारे बोलो मिलकर बोलो, क्या ईथर तोड़ लोगे, एजेंट प्रोटॉन, सही है, एजेंट प्रोटॉन से इसे तोड़ ले जाएंगे। चलिए तो आज के बाद आपको समझ में आ रहा है कि अल्कोहल डायरेक्ट नहीं टूटेगा, इस तरीके से हम उसे कन्वर्ट करेंगे लिविंग ग्रुप में। आइए और बातें यहां पर, ठीक है, आपने नोटिस किया कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने आके शेयर कर लिया, ले लिया, तो ये वीक बेस बन गया। दुनिया की कोई भी चीज जो आके ऑक्सीजन का लोन पेयर ले सकता है या शेयर कर सकता है वो ओ को लीविंग ग्रुप बना देगा। बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है, इस रिएक्शन की डिटेल में क्या नियम आगे आएगी देखें जरा। Cl, C डबल बॉन्ड ओ, CH3, लुक एट बोर्ड प्लीज, क्या तुम्हें याद है ये न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ओके। नाइन्थ, मैं इधर एल्कोहल ही रख रहा हूं, इधर देखते रहो, C डबल बॉन्ड ओ सी एफ थ्री, यहां सल्फर कर लो, चलो सी एच थ्री, देखते रहना। टेंथ, यहां है सी एल, एस डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसा ये ऐसा, ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल। मेरे भाई ये रिएक्शन आगे पढ़ेंगे आप डिटेल में, एस सी एल निकल जाएगा, एस सी एल निकल जाएगा। बनने वाली चीज देखिए, बनने वाली चीज R O C O C S 3, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ शेयर हो गया है, क्या उधर रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है,
अब आ गई इसमें लिविंग टेंडेंसी, इधर देखो आर ओ एस ओ ओ सी एच थ्री है या नहीं है, सेम तरीके से बोलो जरा, सिमिलियरली यहां पर आ गया आर ओ क्या आ जाएगा एस ओ ओ, इन सब में लिविंग टेंडेंसी आ चुकी। इलेवेंथ सेम ले लो और ये आ गया सी एल एस ओ ओ और ये आ गया सी एफ थ्री, यहां से भी एस सी एल निकलेगा और क्या बन जाएगा आर ओ एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो सी एफ थ्री। अब ये तोड़ो ये टूट जाएंगे, अब ये टूटेगा क्या मिलेगा आर प्लस एंड ओ सी ओ सी एस थ्री, क्या ये सारे तोड़ लोगे क्या तुम मेरे को, ये माइनस स्टेबलाइज्ड है, देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या आप देख रहे हैं ओ एच हो तो वो डायरेक्ट नहीं टूटेगा, या एजेंट प्रोटॉन से हम कर पाएंगे, या फिर ये वाली चीजें हैं, इन सब का फंडा आप समझो, सीएल की जगह कुछ भी हो सकता है, सीएल हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, लेकिन यहां वाला सेगमेंट क्या कर रहा है, रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी वजह से सारे के सारे लीविंग ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, कॉपी जल्दी से कॉपी कर,
H प्लस दे नहीं रहा, H प्लस ले रहा है ऑक्सीजन से। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज जो है उसके पास दो रास्ते हैं, वो इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, तो उसके कुछ मॉलिक्यूल इधर जा रहे होते हैं कुछ इधर जा रहे होते हैं, तो हम उसलिए जाते हैं। चलिए जरा इधर आइए, देखिए इधर। सिमिलरली हम आर एन एच टू के साथ कर सकते हैं, कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। आइए आर एन एच टू पर आप हमें क्या सजेस्ट कर सकते हैं? एक तो सजेस्ट कर सकते हैं एजेंट प्रोटॉन डाल दो, सही बात है। एक आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये वाली चीज ले लो, इनमें से कुछ भी ले लो, सही बात। तो मान लो मैं ये लेता हूं, ठीक है, फॉर ए सेकेंड मैंने लिया सीएल एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये इधर ये इधर ये इधर, सही है, ओके मेरे भाई। यहां पर ये क्या बनेगा, आर एन एस थ्री प्लस, क्लियर। और जब ये टूटेगा तो ये देगा आर प्लस एंड अमोनिया, नो डाउट अमोनिया वीक बेस होता है उसके कंपेटिबली जिसके आप इसे डायरेक्ट तोड़ रहे थे, याद NH2 माइनस, इसे डायरेक्ट तोड़ा था तो क्या निकला था NH2 माइनस, उससे वीक बेस। लेकिन ये इतना वीक बेस नहीं होता कि ये लीविंग ग्रुप की तरह इसे कार्य करने के लिए मजबूर करे, तो ये मेथड हाईली रिवर्सिबल देखा जाता है, मतलब ये वापस भागता है, इसीलिए एमीन के लिए बेस्ट मेथड ये माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा जरा ध्यान से देखना, मजेदार चीज है, आर एन एच हटेगा सीएल हटेगा, ये सेगमेंट आएगा, लेकिन मजेदार चीज यहां दो एच, तो इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर सकते हैं, तो यानी कि ये बनने वाली चीज देखिए क्या खूबसूरत सी चीज होगी। और अच्छा बच्चा तो कुछ और ही समझ रहा है, वो देखिए वो ये समझ रहा है कि सर मैं तो ये सोच रहा हूं जब ये हटेगा और माइनस आए तो माइनस चार चार डबल बॉन्डों से स्टेबलाइज हो रहा, एक दो तीन चार, क्या ये जबरदस्त लीविंग ग्रुप हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। हाँ ये टूटेगा, इसे टूट जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आर प्लस एन माइनस बना लेना यार, पैक करके लिख देता हूं, सही है। तो ये एक और बेहतरीन तरीका है, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी रिएक्शन आगे आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा यहां से वहां तक कैसे गए ये खुद ही लिख लेंगे आप, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक चीज है मेरे भाई NOCl या फिर आप ले लो HNO2 या आप ले लो NaNO2 HCl, अगर आप देखो तो ये तीन नहीं है दो ही लिखें, NaNO2 HCl आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा HNO2, और HNO2 और NOCl में एक चीज कॉमन है वो है NO, इसमें भी नाइट्रोसो है इसमें भी नाइट्रोसो है। मेरे भाई ये NO एमीन को रिएक्शन करके जिस चीज में बदलता है वो जरा ध्यान से तो देखो, ओ माय गॉड क्या आपने देखा, नाइट्रोजन गैस, आपको पता है इट्स वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, नाइट्रोजन गैस बहुत स्टेबल होती है, तो ये तुरंत टूट के निकल जाता है, क्या बनेगा R प्लस एंड N2 गैस, क्लियर। RX की बात करते हैं, जैसे Cl Br I ये तो लीविंग टेंडेंसी रखते ही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लीविंग टेंडेंसी है तो अपने आप टूटेंगे, इन्हें तोड़ने के लिए क्या चाहिए देखिए, RX कोई भी लुईस एसिड ले आओ, लुईस एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, चाहे तुम ले आओ AlX3, सुना होगा AlCl3, चाहे बी एफ थ्री ले आओ बी एक्स थ्री या एस बी एक्स फाइव, कुछ भी ले आओ बी एक्स थ्री या ले आओ एस बी एक्स फाइव। मैंने इससे पूछा भैया क्या काम करते हो, मुस्कुराने लगा, चरण स्पर्श किया, मैंने कहा खुश रहो, कह रहा मैं एक्स कलेक्ट करता हूं, पीछे वाले देखो पांच पांच ऑलरेडी है उसके पास,
मैंने कहा इधर, कह रहा इसका एक्स गया, हाँ या ना? तो मेरे भाई ये बनने वाली चीजें देख सकते हैं। तो इस कमजोर बॉन्ड को तोड़ने का काम लुईस एसिड करते हैं। यहां AlX4- निकलेगा। और एक और तरीका, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। Ag जो है वो हेलोजन चोर है, क्या है Ag? क्या है? X देखता है तो भाई साहब बेचैन हो जाता है, X को लेकर भाग जाता है और कहीं दूर जाके प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर X Cl है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, Br और आयोडीन है तो येलो प्रेसिपिटेट। मेरे भाई R उदास है। मैंने पूछा क्या हुआ? कह रहा है कल शाम से X मिल नहीं रहा और मेरी केटायन जैसी हालत हो रही। इधर इसका पड़ोस में NO3- कह रहा सुबह से मेरा Ag+ भी गायब, आया ना? पीछे वाला सोच रहा कितना रिजेंबल करती है ऑर्गेनिक। बिल्कुल सही बात। तो ये है बॉन्ड डिसोसिएशन और लीविंग एबिलिटी को समझने का तरीका। एक एग्जांपल और करेंगे 17, और वो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। ये अरेंज फॉलोइंग, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप। प्लीज लिसन, पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें सो कॉल्ड लीविंग ग्रुप क्या दिख रहा है? एक्स। ये निकलने के बाद क्या होगा? एक्स माइनस। यहां जाते हैं, यहां लीविंग ग्रुप क्या था? OH नहीं, OH2, ये आ गया एसीटेट बोलते हैं इसे। निकल, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये निकलने के बाद माइनस लेकर बैठेगा, सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई समस्या ये है, समस्या ये है कि IIT आपको ऐसे भी लिख कर दे सकता है ये 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 वाला सेगमेंट, और एक में वो माइनस लगा के भी दे सकता है। अगर माइनस नहीं लगा है तो तुम्हें समझना पड़ेगा अभी वो निकला नहीं है। हेलो, अगर माइनस नहीं लगा है तो अभी वो निकला नहीं है, और माइनस अगर लगा हुआ है तो निकल गया। अच्छा, अगर माइनस लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगा है तो आप मान लेना माइनस। और आप क्या देखेंगे? माइनस की स्टेबिलिटी। क्या देखेंगे? आइए, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, पहला पार्ट देखो। मैंने देखो ऐसा लिख दिया FClBri, ये होती है फ्री वैलेंसी, जैसे तुम कहीं लिखते हो RF, तो इस फ्री वैलेंसी के साथ लिखा जाता है। तो ऐसे भी लिख के आ सकता है और ये ऐसा भी लिख के आ सकता है। अभी ये निकला हुआ है, मानते हो या नहीं? F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये जो लीविंग ग्रुप्स हैं इनकी लीविंग एबिलिटी बता दीजिए। हाँ भाई, 4321, क्या नाम है तुम्हारा? चंदन, 4321, कोई और? हाँ बेटा, वही ना जो वो बोल रहा है। आपका क्या नाम? आदित्य। और कोई? हाँ जी, 4321, बस तीन ही लोग बताना चाहते हैं। अरे हाथ उठाओ, तुम लोग गधे हो क्या? तुम्हारा आंसर गलत हो जाए कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी भाई, सीखोगे? हाँ बोल। हाँ सेम है, बैठ जाओ। हाँ जी सेम है। अब पूछते हैं अगला, एक्सप्लेनेशन किसे पता है? जितने आज मौका नहीं पकड़ रहे हैं, बिलीव मी इसी की आदत हो जाएगी, आपकी डेस्टिनी और फेट ऐसे ही सेट हो जाएंगे, कभी मौका नहीं मिलेगा। आज ले नहीं रहे आंसर बताने का, आगे मिलेगा नहीं। आप बताओ, आप? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर रहे यार, यहां नहीं लाइफ में हर जगह। आप IIT दिल्ली पहुंच गए, बैठ जाइए, वेरी गुड। आप IIT दिल्ली पहुंच गए,
आप पढ़ रहे हैं, अगर आ गया डिबेट का एक इवेंट हो रहा है, नहीं किया जिंदगी में तब तो जरूर करना चाहिए। हमें आप पता है आपका एक्सक्यूज क्या होता, मैंने कभी नहीं किया। अरे तब तो जरूर नाम लिखो यार। अगर आप घर में गाना वाना गुनगुना लेते हैं और 10 में से लोगों 5 लोगों ने बोला है आप अच्छा गाते हैं, सिंगिंग में नाम लिखो यार। आया ना, कम से कम देखो, या तो आप अच्छा गा रहे होंगे आपको प्राइज मिलेगा, या फिर ये क्लियर हो जाएगा कि भैया आज के बाद गाना नहीं। हाँ यार, सही बात है यार। मैंने पहला फोन जब लिया था बिना घर में बताए किसी को, नोकिया का फोन था और बड़ा बढ़िया था। अराउंड 2000 में 20-25 हजार का फोन मींस अ लॉट। आया अपन क्या पढ़ाते थे, घर में बताते थे, यहाँ 1000-2000 रुपया कमा लेते, पैसा आता था ज्यादा। तो मैंने वो फोन खरीदा और फोन खरीदने के बाद क्या हुआ कि 15 दिन बाद उसका रिकॉर्डिंग सेगमेंट, सारे ऑप्शन धीरे धीरे पता चलते हैं, तो वहां एक वॉइस क्लिप ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो मेरे को मूड खराब हो गया, मुझे लगा कि किसी ने सेकेंड हैंड फोन मेरे को बेच दिया और मैंने यार नया खरीदा था। और मैंने जब वो क्लिप चलाई तो मूड और खराब हो गया, कोई इतना बेसुरा गा रहा था, मैं गाना तो पहचान गया कौन सा है लेकिन बहुत बेसुरा गा रहा था। अब डबल अटैक, इतना बेसुरा गाना सुना मैंने, ऊपर से मेरे फोन में किसकी वॉइस क्लिप है। मैंने 2-4 दोस्तों को बताया, अरे हो गया यार तू काहे को दिमाग, फोन सही चल रहा चला। फिर मैंने अपने बड़े भाई को सुनाया, मैंने कहा देखो यार पता नहीं क्या ये हो गया। उन्होंने ध्यान से सुना 2 बार, फिर मेरे को देखा, मैंने क्या, कह रहे तेरी आवाज है। फिर मुझे लगा कि मैंने इंक्वायरी क्यों की, काश ये राज राज रह जाता। वो दिन है और आज का मैं अकेले में भी नहीं गुनगुनाता। अब वो नया फोन था, बटन दब गया होगा, एक आध लाइन रिकॉर्ड हो गई, मुझे पता नहीं चला। होता है कई बार। ये बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है कि आई माइनस का साइज बड़ा है, और हमने पढ़ा था टॉप टू बॉटम हम साइज देखते, तो ये ज्यादा स्टेबल है, उस पर चार्ज कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। FCL-DRI के बाद कुछ और लिविंग ग्रुप में आपको देता हूं, ये देखिएगा जरा, CH3O-, CH3COO-, इधर लिखेंगे यार थोड़ा खुले में, आइए जरा ध्यान से देखिए, ये है आपका CH3O-, ये है CH3COO-, ये है CH3S-OO-, और ये है आपका F3C, यही वाले हैं यार, S-OO-, बहुत तसल्ली से आपकी निगाहें इस O माइनस पर होनी चाहिए। बताओ सबसे कम माइनस कहां पर है, वही सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। सारे बोलो, सबसे कम माइनस कहां पर है, कितने लोग कह रहे हैं इधर है सबसे कम माइनस। वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये माइनस इससे भी रेजोनेंस करेगा और CF3 भी खींच रहा है, CF3 भी खींच रहा है, मानते हो या नहीं? ओके, सो आई थिंक आंसर क्लियर है आपको। 4, 3, 2, 1 क्लियर। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको लगता है कि पूरी ऑर्गेनिक में आगे चलकर हम इतने बड़े बड़े डायग्राम बनाएंगे? हाँ, क्योंकि मनुष्य आलसी होता है, सही बात है। और एक पेज की रिएक्शन में 10 बार ये बनाना पड़ जाए, भेजा खराब, मेरा एक बार में भेजा खराब हो गया, मैंने दोनों ओ को पैक करके लिख दिया, हाँ या ना? तो इनके शॉर्ट नेम होते हैं, हाँ या ना? जैसे सब शॉर्ट नेम होते हैं, इनके भी शॉर्ट नेम, वो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। जितने के नीचे एरो है, ये याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, जितने के नीचे एरो है इसे बोलते हैं एसिटाइल। क्लियर? तो शॉर्ट में हम इसे क्या बोलने वाले, एसी।
क्लियर। अब बताओ अगर ये एसिटाइल है तो इसे हम क्या लिखने वाले हैं? ACO माइनस, और इसका नाम पूरे का, अब पूरे का नाम वो होगा एसीटेट आयन। आयन मत लगाओ, माइनस है तो आयन ही होगा। क्या ये समझ में आया आपको? आगे कई रिएक्शन में तुम्हें ऐसा लिख कर मिलेगा, समझ रहे हो? तो एसी मींस एसिटाइल। आइए सिमिलरली इतने का नाम है मेसिटाइल, ठीक है, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एम एस, छोटा एम और छोटा बड़ा एम छोटा एस, मेसिटाइल। और तो फिर हम पूरे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एम एस ओ माइनस, नाम मेसाइलेट आयन। सही बात है। आओ बच्चों, ये है आपका ट्रिफ्टिल, सही है, शॉर्ट में टीएफ। यार इसके नीचे आ गया यार, मेसाइलेट आयन, इसका नाम बोलिए क्या हो जाएगा? टी एफ ओ माइनस। ये है ट्रिफ्लेट आयन। कर लोगे? तो नामकरण है इसमें। आइए एक और चीज देखिए इसी टाइप की। मैंने आपको ये दिया है, ये इधर एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस, एंड ये लगा है सी एस थ्री। देखते रहना, इसका भी एकदम सटीक आंसर देना है आपको। ये है आपका एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस। आपको पता है सी एस थ्री क्या करता? पता है ना? चलिए ये देखिए जरा, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस, ये है बी आर। बी आर क्या करता है पता है? ओके आओ बच्चों मुझे बताओ, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस, एनओ टू, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? फोर वाला, फोर, ये वाला, बिल्कुल सही है। NO2 क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर फोर थ्री टू वन, सही बात है या नहीं? पीछे वाला कह रहा कहीं इनके भी नाम ना बताएं। यस यू आर राइट, हाँ या ना? ओके, इनके भी बहुत पॉपुलर नाम है, सल्फर वाले पोर्शन को लेकर, मतलब ऑक्सीजन नहीं ले रहा हूं। ये है मेरे भाई टोसाइल। थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो, टोलुइन बोलते हैं ना, टोलुइन, टोसाइल, इन शॉर्ट टीएस। तो मेरे भाई पूरे को क्या लिखेंगे? टीएस ओ माइनस, इसका नाम है टोसाइलेट, टोसाइलेट आयन। सही है। पीछे वाला कह रहा है ये टोसाइलेट है तो क्या ये ब्रोसाइलेट है? यस यू आर राइट, ये ब्रोसाइलेट। ओके इसे बोलेंगे ब्रोसाइल, बीएस। लिखेंगे कैसे? बीएसओ माइनस, इसका नाम है ब्रोसाइलेट आयन। पीछे लगे फिर ये नो साइलेट होना चाहिए। यस इट्स अ नो साइलेट, आई मीन नो साइल, एनएस, इट्स अ एनएसओ माइनस, इट्स अ नो साइलेट, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, लिख लो जल्दी से लिख।
ध्रुव सैनी बोल रहे हैं एफ माइनस बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वो फटाफट से एच प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं, क्योंकि अगर एच प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो एच एफ निकालेगा और एच एफ अच्छा एसिड होता है। जीओसी में हमने पढ़ा था कोई भी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ नहीं जाती, वीक एसिड वीक बेस की तरफ। ट्रिफ्टिल लिख लीजिए जल्दी से। हाँ आलसी कहीं के लिखो, कई ऐसे हैं जो फोटो खींच के बैठ के बाजू वाले से बतिया रहे हैं। भाई अगर बातें ही करनी है सच्चा लिख। फोर्थ पार्ट मैंने आपको दिया है O2 एंड N2, ऑक्सीजन एंड N2 में कौन लिविंग टेंडेंसी ऑर्डर आप लगाएंगे। अच्छा क्या आप ये समझ गए हैं कि ये रिएक्शन सारी अधूरी रिएक्शंस हैं? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं केवल कैटायन बनने तक ही आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब ये सीख जाएंगे फिर हम अगला पार्ट लेंगे कैटायन बनने के बाद क्या करेगा। इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं है किसी के, याद रखना ये इंटरमीडिएट्स हैं। कैटायन बन रहा है, इसके आगे क्या होगा वो हम कैटायन की रिएक्शंस में पढ़ेंगे। जल्दी कर लें। यार तुम लोगों की क्लास में एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं आ रही। मैं सोच के आया था आज लीविंग ग्रुप पूरा हो जाएगा, कैटायन रिएजमेंट पूरा कर लूंगा, उसके आगे वाला टॉपिक चालू करूंगा। नहीं वो तो ठीक है बट उसके हाँ कुछ तो करता हूं अरेंजमेंट है। थोड़ा जल्दी लिखो यार। थर्ड में सेकंड वाले का कोई नाम नहीं, सबको नाम देना जरूरी नहीं है। मैंने उन्हें नाम दिए जो आपको ऑर्गेनिक में मिलेंगे। आइए स्टॉप राइटिंग। ये आपने देख लिया लीविंग ग्रुप को, आपने पहचान लिया हेटरोलिसिस से बॉन्ड टूटेगी और कैटायन बनेगा। एक और तरीका है,
बाय रिएक्शन ऑफ एल्कीन, आप सबको पता है एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है, एल्कीन क्या होता है और उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो आइए ये जल्दी से सीख लेते हैं। ये है पहली रिएक्शन मेरे भाई, ये मैंने आपको एल्कीन दी है, क्लियर, और इसके सामने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए। अब जब मैं इलेक्ट्रोफाइल बोलता हूं तो आपके दिमाग में इलेक्ट्रोफाइल का एक्चुअल मतलब आना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल अच्छा इलेक्ट्रॉन लेने आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो इतना अगर आपको पता है तो आप देखेंगे मैं कुछ नया बता ही नहीं रहा हूं आपको। ये आ गया आपका एल्कीन और ये इलेक्ट्रोफाइल दुनिया, या तो मैं जनरल मान लू ई प्लस, या तुम्हें मानना हो एच प्लस, सी एल प्लस, बी आर प्लस, एनओ टू प्लस, कुछ भी मानना है मान लो यार, मैं मान रहा हूं ई प्लस, क्लियर। ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, सच बताओ क्या इसके पास पाई बॉन्ड है, क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, क्या इन लूज इलेक्ट्रॉन को हम यूज कर सकते हैं, हम नहीं, ये हाँ या ना। इलेक्ट्रोफाइल्स को देखते हुए ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलराइज होगी या नहीं, इसे देखने के बाद ही पोलराइज होगी, जब ये अप्रोच करेगा तभी। याद रखना एरो के हेड पर, हिंदी में बोलते हैं एरो, एरो के मुंह पर माइनस, मुझे लग रहा मुंह से माइनस, यस, और पूछ पर, सही बात है या नहीं, एरो बताता है इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज हुए, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएंगे उधर कैसा चार्ज आएगा, इधर कैसा चार्ज आने लगा है, और क्या वो माइनस इसको बुलाने लगा है या नहीं। मेरे भाई याद रखना क्वेश्चन को या मैकेनिज्म को लिखने का भी एक तरीका होता है, मैंने बोला बहुत कुछ लिखा एक भी नहीं, आप यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा, मैं कहाँ दिख रहा है तुम, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये माइनस किसे बुलाएगा, इससे बुलाएगा बनने वाली चीज। आइए चीज आपको दिखाता हूं, पीछे वाले ये पहले डबल हुआ करता था, आजकल सिंगल है, हाँ या ना, और इधर जो माइनस आया था उससे ही जुड़ गया, यहां पूछ पे कैसा चार्ज होगा, पीछे लगे रहा पूछ तो ये थी, अबे डैश कार्बन है ना ये हेड, ये कर लोगे, क्या बन गया कार्बो के ठाए, कार्बो के ठाए, कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन। अभी ऑनलाइन क्लासेस जो मैं लेता हूँ उसमें जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं म्यूट करके, जरूरी है यार मन में रखोगे तो गुस्सा रहेगा, तो स्ट्रेस जो है वो ऑफलाइन क्लास में कभी कभी हो जाता है। हमारी एक बार केमिस्ट्री लैब में हमारे जो लैब इंचार्ज थे वो एक पंडित जी थे, बहुत सज्जन, इतना जेंटलमैन हमने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, बहुत सज्जन पुरुष, बेटा जी ऐसा कर लो, बेटा जी ऐसा करो, ना और हम लोगों को क्या जिस दिन मन होता था उस दिन कर रहे थे, बैठ के बात कर रहे हैं, इस समय लैब की बात है। हमारे हर बैच में दो तीन बहुत होनहार बच्चे होते हैं जो बात नहीं करते, जो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली करते हैं। तो पंडित जी की भी आदत फिक्स थी कि उन्हें प्यार से सबसे बात करनी है, हमारी भी आदत ठीक है, हाँ सर ठीक है। एक बच्चा, वो आपको पता है केमिस्ट्री लैब में सब कांच के ऑपरेटर्स होते हैं बड़े बड़े, ये वो, तो वो कोई टेस्ट कर रहा था, उस टेस्ट में क्या रेड कलर आना था, हमारा जिंदगी में कभी कलर एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पाता था, कलर कुछ और ही आ जाता था, उसका रेड कलर आ गया और वो बहुत एक्साइटमेंट में, मजा आ गया करके वो पूरा ऑपरेटर्स लेके पंडित जी के पास गया और वहां गिर गया, वो नहीं पूरा ऑपरेटर्स। जैसे ही ऑपरेटर्स गिरा दो आवाजें एक साथ आई, एक तो कांच टूटने की आवाज आई और जो दूसरी आवाज आई वो मैं बता नहीं सकता और मजेदार बात, वो आवाज उस बच्चे की नहीं थी, जैसे अच्छा अनएक्सपेक्टेड, जिंदगी में किसी ने नहीं सोचा, सपने में किसी ने नहीं सोचा, तो जैसे आई सबके कान खड़े। तो मैंने समझा कि इंस्टेंट रिएक्शन आया किसी का, मेरे बाजू में मेरा दोस्त था, उसने हाथ मारा, सुरेंद्र, मैंने कहा क्या, कह रहा कुछ अजीब सा सुना, मैंने कहा
मैंने कहा यार हो सकता है अपने दिमाग में ही चीजें उल्टी सीधी चलती रहती है। तो हमारा 6-7 लोगों का ग्रुप था, उसमें 2-3 गर्ल्स थी, तो मुझसे बोल, अबे जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कॉलेज की तरफ से ग्रुप बनाया जाता है, वो वाला ग्रुप था, ठीक है। उसने मेरे से कहा कि यार कंफर्म कर इन्होंने भी सुना है क्या। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कुछ अजीब सा सुनाई दिया क्या अभी। उसने बाद में मैं गया उस बंदे से कंफर्म करने जो सबसे करीब था वहां पर, जिसने सौरभ नाम था। मैंने कहा सौरभ भाई सब बढ़िया यार, गजब कर दिया आज तुमने, तो मुंह लटकाए हुए था। मैंने क्या यार टूट जाती है चीजें, नहीं आ जाएंगी। कह रहा यार उसका गुस्सा नहीं। मैंने तो कह रहा यार शायद सर ने मुझे कुछ गलत बोला। फिर मुझे कंफर्म हो गया कि बात सही। अच्छा उस वाक्य के बाद सर इतना अच्छा बोल रहे थे, अरे बेटा लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। वो कंफ्यूज हो गया यार, मेरे को बोला गया नहीं। 4-5 साल पहले मेरे साथ भी सेम चीज हुई। रात में 1-1.5 बजे मैं सोने जा रहा था, एंड आई जस्ट की भैया फोन रखा और लेटा। जैसे ही लेटा वैसे फोन आ गया, तो मैंने हाथ बढ़ा के फोन काटना चाहा, फोन उठ गया। अब उठ गया तो मुझे लगता है यार कोई बच्चा रात में पढ़ाई कर रहा होगा। उसका एक तरीका होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता है। अच्छा पता है बच्चे अभी भी हैं ऐसे, फोन करते हैं सर बेंजीन पे ये कहाँ अटैक होगा। और भाई साहब आप चौराहे पे देख रहे हो रेड लाइट ग्रीन लाइट, वो कह रहा है बेंजीन पे ये कहाँ अटैक होगा। क्या फीलिंग आती होगी मन में आप समझ सकते हैं। तो रात में 1:30-2 बजे सीधा फोन उठाते ही कोई दुआ सलाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कहता सर बेंजीन है, बेंजीन के कार्बन पर 2 CL लगे। गुस्सा मेरा था, हल्की सी नींद आ चुकी थी, फोन ना चाहते हुए उठ चुका था। उसके बाद कोई ग्रीटिंग नहीं, सीधा बेंजीन है, बेंजीन के कार्बन पर 2 CL लगे, निकल गया मुंह से। जैसे ही मुंह से निकला वैसे मेरी आंख भी खुल गई, अरे और क्या बोल दिया मैंने, फोन कट गया। अब मैं पता यार कंट्रोल में नहीं था। फिर दोबारा फोन आया तो मैंने भी हेलो, हाँ कौन बोल रहा है बेटा। उसने भी बड़े प्यार से बात की, सर एक डाउट पूछ सकता हूँ क्या। मैंने पूछो बेटा, उसे पूछा, मैंने उसे बताया। बताने के बाद कहता थैंक यू सर, अभी सर पता नहीं कहाँ लग गया था फोन। मैंने कहा बेटा हो जाता क्रॉस करेंगे। आइए जरा ध्यान, एक मिनट, बेंजीन के कार्बन पर एक ही चीज लग सकती है, 2 नहीं लगती। ये आसान सेगमेंट था, वजह क्या है, ये एल्कीन सिमेट्रिकल है, पीछे वाले किधर भी घुमाऊं कोई इश्यू नहीं है, हाँ या ना, लाइक इधर भी कोई इश्यू नहीं है, आप देखिए यहां भी कोई समस्या नहीं, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं तुम्हें, घुमाते रहो ये देखो। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब एल्कीन सिमेट्रिकल ना हो। अभी आपको 2 दिशाएं हैं, एक इधर घुमा सकते हो, आप नहीं घुमा रहे हो, फिर से सुन लो, इसे देखकर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस दिशा में पोलराइज होगी वो हमें यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 2 तरीके हैं, एक है देसी तरीका और एक है टेक्निकल तरीका, मैं दोनों बताऊंगा। पहले देसी तरीका, सोचो अगर ये ऐसे पोलराइज होता है तो इधर क्या आया होगा, माइनस क्या ले लेगा, प्लस किधर आएगा, बीच में आएगा या नहीं। सोचो अगर ये इधर पोलराइज होता तो माइनस इधर आता, इस माइनस पे कौन चला जाता, प्लस यहां आता। आप बताओ किस केस में केटायन सबसे अच्छा बना है, पहले वाले में या दूसरे वाले में, बोलो। याद रखिएगा आपका प्रयास होगा स्टेबल केटायन बनाना, आपका प्रयास होगा स्टेबल केटायन बनाना। तो दिस इज द राइट साइट फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और H+। बधाई हो, बन गया है कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन। हाँ बेटा हाँ वेरी गुड, ये टेक्निकल तरीका, ये टेक्निकल मेथड। ये कह रहे हैं कि ये हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे देख रहे हैं
CH3 के प्लस H की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ही जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो ये दो आप घर से करके लाइएगा। अच्छा तो फोर्थ में घुमाने में इश्यू आएगा क्या? लेफ्ट घुमाओगे या राइट? अबे इधर ऊपर नीचे है, ऊपर या नहीं, सही है या नहीं? चलिए एक और ले लो। चलिए कर लीजिए वो देना ऑप्टिकल वाली कॉपी, फोटो दीजिए। पांच तक मैंने आंसर बता दिए थे ना, छह कहां तक बताए थे? पांच तक। सिक्स का लिखो टोटल टू, इनएक्टिव जीरो, पेयर जीरो, आया ना। सेवेंथ का टोटल फोर, एक्टिव जीरो, पेयर जीरो, सही है। एट्थ का भी सेम है, सेवन एट का आंसर सेम है ना, पक्का? सेवन एट का आंसर सेम है, सेम है, सेम। नाइन्थ हमने क्लास में कर लिया था क्या? नाइन्थ हो गया था। टेंथ बहुत मजेदार, टेंथ का टोटल है टेन, एक बढ़ेगा केवल, मीजो में एक बढ़ेगा। तुम्हें पहले बताओ नाइन्थ का आंसर याद है? नाइन्थ तो क्लास में किया है ना, एक कितना आया था उसका? टेंथ का भी ए आएगा टू। नाइन्थ का मीजो कितना आया था? सेवन। इसका मीजो आएगा एट। मैं बता रहा हूं कौन सा बढ़ेगा वो भी बता रहा हूं। एंड पेयर आएगा वन, टोटल आएगा टेन। याद रखना एक केस बढ़ जाएगा जब तीन डाउन करोगे, टेंथ में जब तीन डाउन करोगे। तो पहले केस थे वन टू थ्री, वन टू फोर, वन थ्री फाइव, इसमें एक केस बढ़ेगा वन टू फाइव। पहले था वन टू थ्री, वन टू फोर एंड वन थ्री फाइव, सात की रिंग में एक केस बढ़ेगा वन टू फाइव। वन टू फाइव पे डाउन करना, देखना ये केस एक एक्स्ट्रा आ रहा है, सिंगल केस एक्स्ट्रा आएगा। हेलो, सिंगल केस एक्स्ट्रा आएगा। इलेवेंथ एंड सेवेंथ आर सेम, सही बात है? ओके हाँ, चलिए आज के लिए इतने। कोई डाउट हो अगर पढ़ाई से संबंधित तो पूछ के जाया करो।